हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मैं हूं रीना और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं होम डेकोरेशन के लिए आप अपने पास पड़े हुए पुराने दुपट्टों का किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर को मेकओवर कर सकते हैं, फेस्टिवल के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं इन दुपट्टों की हेल्प से। आपके पास भी इस तरह के बनारसी बांधनी या फिर वर्क वाले फुलकारी या फिर ऐसे कोई भी प्रिंटेड या प्लेन दुपट्टे तो पड़े ही होंगे। दुपट्टे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो हर किसी के पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे दुपट्टे होते हैं। कुछ आइडियाज़ मैं आपसे ऐसे शेयर करूंगी जिससे आप अपने पुराने दुपट्टों का रीयूज़ कर सकते हैं, और कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिसकी हेल्प से आप टेम्पररी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे एज ए दुपट्टा भी फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सोफ़ा डेकोरेशन की। तो इसके लिए आपके पास इनमें से कोई भी दुपट्टा है, चाहे बनारसी हो, बांधनी हो या फिर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है, तो आप उसे ले लीजिए। मैंने यहाँ पर बांधनी के दुपट्टे का यूज़ किया है और उसे देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे से इस तरह से जो सोफ़े की लेंथ है वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ ऊपर तक इस तरह से लगा दिया है और मिडल में वहाँ पर अच्छे से टक कर लिया है। आपका सोफ़ा चाहे प्रिंटेड हो या प्लेन हो, आप इस तरह से अपने सोफ़े का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं, उसे ट्रेडिशनल लुक दे सकते हैं। इसके अलावा आप बनारसी दुपट्टे की हेल्प से भी इस तरह से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। किसी भी दुपट्टे की हेल्प से आप अलग अलग तरीक़ों से अपने सोफ़े को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, तो उसके लिए आप दीवान का जो बेड होता है उसके ऊपर इसे एज अ बेडशीट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक देती है। आपके पास इस तरह का कोई भी वर्क वाला दुपट्टा है या फिर कॉटन का कोई भी मल्टी कलर दुपट्टा है, जैसे कि मेरे पास ये वाला दुपट्टा है मल्टी कलर का, तो इसे हम दीवान बेड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एज अ दीवान सेट भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इसे कट करके भी बहुत ही सुंदर दीवान सेट बना सकते हैं। मिडल से इस तरह से आपको प्लेन फैब्रिक लेके उसके ऊपर ये मिडल का हिस्सा अटैच कर लेना है, मिडल में ही साइड में प्लेन फैब्रिक रखना है और ये जो फैब्रिक साइड से दोनों बचेंगे इसमें से आप पिलो के कवर्स बना सकते हैं, जो स्क्वायर पिलो होते हैं उसके, और जो लंबे तकिए होते हैं, मसंद होते हैं, उसके कवर भी आप बना सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप सिर्फ टेम्पररी भी इसे अपने जो मैट्रेस है उसके ऊपर टक कर लीजिए मिडल में, और बहुत ही सुंदर सा आप एक दीवान सेट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये है दोस्तों, आपके पास कैसा भी दुपट्टा है आप उसमें से कुशन कवर बना सकते हैं। कुशन कवर के बिना घर का कोई भी डेकोरेशन अधूरा रहता है, चाहे वो बेड है, सोफ़ा है या फिर दीवान सेट है। और आजकल इस तरह के कुशन कवर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आपके पास इस तरह का कोई भी दुपट्टा है तो आप उसमें से कुशन कवर बना सकते हैं। आपको जो आपका कुशन है उसके साइज़ का मेज़रमेंट लेना है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर आपको अपना कुशन रखना है। यहाँ पर आप एक तरफ से इसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर एक और साइड से फोल्ड कर लीजिए, और ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे आपको कट करना होगा। आपको यहाँ पर ओवरलेप करते हुए फोल्ड करना है इस तरह से, यहाँ से एक्स्ट्रा साइड से कट कर लेना है, और आपको ये मिल गया है अपने पिल्लो का मेज़रमेंट। अब आपको पिल्लो निकाल देना है और ये उल्टा रखना है और यहाँ दोनों साइड आप सिलाई कर लीजिए। तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा, बिना जिप और बिना किसी मेहनत के एक कुशन कवर रेडी हो जाएगा, और आप इसमें से जितने चाहे उतने पूरा सेट बना सकते हैं। और उसके लिए आप इस तरह का दुपट्टा है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें से भी बहुत ही प्यारा बनेगा। और अगर इस तरह का दुपट्टा है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पूरे ट्रेडिशनल लुक के आपके कुशन्स कवर बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप किसी भी दुपट्टे का यूज़ करके कुशन्स कवर बना सकते हैं, और कुशन्स कवर तो हमें बहुत सारे घर के लिए चाहिए ही होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप दुपट्टे से कुशन्स कवर बना रहे हैं तो उसमें अस्तर ज़रूर ऐड करना।
नेक्स्ट आइडिया ये भी बहुत ही अच्छा है कि आप बच्चों के क्लोथ बनवा सकते हैं। जैसे कि इस फ्रॉक में अलग अलग प्लेन नेट यूज़ की हुई है, तो आप यहाँ पर सिफोन के प्लेन दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर के हमारे पास काफ़ी सारे प्लेन दुपट्टे होते हैं, तो आप उसका यूज़ करके इस तरह से बहुत ही सुंदर बेबी फ्रॉक बनवा सकते हैं। ये एक स्कर्ट है मेरे पास, यहाँ पर भी देखिए आप, ये काफ़ी पुरानी है, अब ख़राब हो चुकी है, पर आप इस तरह से प्लेन दुपट्टों की हेल्प से इस तरह की लॉन्ग स्कर्ट भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जो ट्रेडिशनल क्लोथ होते हैं, घाघरा चोली दुपट्टा, वो सब काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इस तरह का हैवी दुपट्टा है अगर आपके पास, तो उसका यूज़ करके वो फैब्रिक आप कपड़े बनवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आप अपने पुराने दुपट्टों का यूज़ करके वो बनवा सकते हैं, और बच्चे बड़े जल्दी ही हो जाते हैं तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, हम उसे एक से दो बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप दुपट्टे का यूज़ करके उसके लिए इसमें से क्लोथ बना सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं। गर्ल्स के लिए आप घाघरा चोली बनवा सकते हैं, और बॉयज़ के लिए भी इस तरह से आप केड़िया बनवा सकते हैं। ये केड़िया है और ये काफ़ी वर्क किया हुआ इस तरह से होता है, तो इस तरह के ट्रेडिशनल क्लॉथ आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के कुर्ते भी, पूजा है या फिर कोई ऐसा ट्रेडिशनल छोटा सा फंक्शन है तो उसके लिए भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इस तरह के कुर्ते भी, आपके पास अगर इस तरह का कोई बांधनी का दुपट्टा है तो आप उसमें से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, आप अपने दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं एज अ बेड रनर। बेड को डेकोरेट करने के लिए कुशन कवर के साथ साथ बेड रनर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में या फिर ऑनलाइन अगर आपने देखा होगा तो बेड रनर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इसका एक्स्ट्रा कोई भी यूज़ नहीं होता है, तो आप दुपट्टे की हेल्प से बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकते हैं, अपने बेड को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने बेडशीट के कलर के अकॉर्डिंग अपने दुपट्टे का यूज़ करके अपने बेड को अच्छे से अच्छा लुक दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप एज अ टेबल मैट भी अपने दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। आप आपकी कोई भी पुरानी या फिर नई कैसी भी टेबल है उसके ऊपर अपने दुपट्टे को लगा दीजिए, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप आपकी टेबल बहुत ही सुंदर न्यू लुक में आ जाएगी। आप अपनी डाइनिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल या और कोई भी टेबल है उसे डेकोरेट करने के लिए दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपसे शेयर किए कुछ ऐसे आइडियाज़ जिससे आप पुराने दुपट्टों की हेल्प से बिना कोई खर्चा किए अपनी पसंद के हिसाब से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और अपने घर को बना सकते हैं सबसे सुंदर और पूरा ट्रेडिशनल। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे, आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और आइडियाज़ के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।